तो भाई कैसे हो आप सब। आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जहाँ बंदों और कैंपरों की भरमार है। तो ये गेम प्ले एक रैंडम स्क्वाड के साथ है जिसमें अपनी लैंडिंग होती है यसना या पोलियाना गन फाइट के साथ। उतरते ही एक बंदा फिनिश हो जाता है। इसे मारने के बाद आगे जाता हूँ सामने वाले बिल्डिंग पर बंदे से, उसमें नॉक देता हूँ। और तुरंत ही मॉली करके रश मारते हैं। इन्हें निपटाने के बाद आगे जाता हूँ और यहाँ से फाइट काफी इंटेंस होने वाली है। फिलहाल एक को नॉक करता हूँ। इनके साथ साथ सामने वाली बिल्डिंग पे भी दूसरी टीम है जो कि थर्ड पार्टी करने के इंतजार में थी। नेट से तो किसी तरह एक को फोड़ता हूँ लेकिन मेरे टीममेट को वो फोड़ देता है। काफी टाइम बीत चुका था, बंदे कैंप कर रहे थे। तभी मैं पुश मार देता हूँ और टीममेट का रिएक्शन सुनो। वेट करो भाई, पुश मार रहा है क्या? चार बन जा रहे भाई। जैसे वो एक नॉक देता है पुश मारता हूँ। फिलहाल आगे जाते ही राइट साइड वाले बंदे मेरे टीममेट को फिनिश कर देते हैं। अब बस मैं अकेला ही बचा हुआ था। बस देखते जाइए आगे मैं कैसे मरते मरते बचता हूँ। फिलहाल सामने बंदे बंदा ऊपर रिवाइव करने चला जाता है, तब तक मैं हील कर लेता हूँ। जैसे ही इनको मारा तुरंत दूसरी टीम मेरे पे पुश मार देती है। टाइम लेने के लिए सीढ़ी पर एक मॉली कर देता हूँ, इससे मुझे थोड़ा टाइम तो मिल जाता है। बट बंदे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए थे। नीचे कूदना चाहा तभी। ये मोमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। इन्हें मार के जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता हूं सामने वाली खिड़की पर एक बंदा था। एक नेट खींचता हूं ये सोचकर कि दूसरी वाली खिड़की के पास गया होगा। तभी देखो बंदा तो नॉक हुआ लेकिन दूसरा साथ साथ सामने वाले बंदे के नेट से मैं नॉक हो जाता हूँ।
ये गेम प्ले तो यही खत्म हो जाता है। बात करते हैं दूसरी गेम प्ले की। सामने से फुटस्टेप आते हैं, इसे निपटाता हूं। सामने वाले वॉल पे कोई टीपीपी ले रहा है, एक नेट करता हूँ। तब तक दूसरा बंदा नॉक। और भाई पंदे पूछ भी मार देते हैं। ऊपर आके चेक करता हूँ किसने नेट फेंका था वो। तब तक कीबोर्ड दबा आते हैं, इन्हें निपटाया। इन्हें निपटा कर हम आगे जाते हैं। यहाँ पर आगे से गन साउंड आ रही थी, मेरे को लगा कि बंदे आगे ही होंगे। अब भाई यहाँ जो फाइट होने वाली है ना, अब देखते रह जाओगे। आगे जाता हूँ, टीममेट से कहा आगे वॉल पे बंदे। जैसे उसने डैमेज दिया, मौके का फायदा उठाकर मैंने रश कर दिया। आप तभी ये रिफ्लेक्स कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। इन बंदों को मारने के बाद सामने वाले बिल्डिंग से पुश से पाते हैं। एक नेट और एक मोली करता हूं। कहीं ना कहीं डैमेज हुआ होगा, ये सोच के पुश मारते हैं। ऊपर बंदे बहुत बुरी तरह से कैंप कर रहे थे। इन्हें फिनिश मारने के बाद सामने अपार्टमेंट से बंदे मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। इससे पहले कि अपार्टमेंट में रश मारता, राइट साइड वाली ब्लू बिल्डिंग पे फायरिंग आती है। बंदे को नॉक करता हूं। तब तक टीममेट ने अपार्टमेंट में एक बंदा को नॉक कर दिया। अब मारते हैं अपार्टमेंट पे रश। भाई यहाँ तो कैंपर भरे ही पड़े। यशनाया खाली करने के बाद मैं आता हूँ पहाड़ी पर। तभी बंदा पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। दोनों खो चुके थे। अब बिना किसी देरी के पुश करता हूँ। तभी साइड से पड़ने लगती है, तुरंत दो स्मोक करता हूं।
बंदे को मारने के लिए एंगल बना ही रहा था तभी पीछे से नॉक करता है मेरे टीममेट को। आगे पीछे दोनों तरफ बंदे, सारा स्मोक भी खत्म हो चुका था। चार नंबर को बचाने के लिए कोई स्मोक नहीं बचा था। आगे वाले को किसी तरह निपटा कर बाकी से ऊपर पहाड़ की ओर जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आने के बाद सामने से बंदे आ रहे थे, इन्हें निपटा कर और ऊपर जाता हूँ। ऊपर पहुंचते ही अपने टीममेट को कहता हूँ तू उस वाले रिच पर रुक जा। तभी खतरनाक तरीके से पड़ती है, हील उल करता हूँ। तभी टीममेट ने बताया कि आगे में बंदा वहाँ पत्थर के आगे, तभी टीममेट के सामने बंदा, मैं एंगल बना कर मारता हूँ। बंदे जोन के बाहर थे, अब जोन आने का वेट करता हूँ। जैसे ही बंदा जोन से बाहर निकला, इंस्टेंटली फिनिश कर देता हूँ। और एक प्यारा सा चिकन के साथ ये गेम प्ले भी होता है खत्म। तो भाई आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो पर।